Good afternoon to all present here. My name is Shalu Ghazni. Today I am giving a seminar on the important topic data science. So, सबसे पहले मैं PPT start करने से पहले थोड़ी सी intro देना चाहती हूँ कि data science exactly होता क्या है. Data science is a science and study of data, जिससे हम data के ऊपर work करते हैं और उसमें से meaningful insights निकाल के अपने business में या किसी भी field में को यूज करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम ये कंटेंट्स, दीज आर द कंटेंट्स दैट वी आर कवर्ड इन दिस सेमिनार. व्हाट इज डेटा साइंस, देन नेक्स्ट नीड ऑफ डेटा साइंस कंपोनेंट्स एंड लाइफ साइकिल, सॉल्विंग प्रॉब्लम विद डेटा साइंस एंड डेटा साइंस एप्लीकेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज डेटा साइंस. द डेटा साइंस एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी बताया आपको कि स्टडी करना डेटा की, स्टडी करना डेटा को, मैनिपुलेट करना, एक जगह पे आप डेटा को स्टोर करते हो, फिर उस डेटा को, डेटा से क्या मीनिंगफुल इंसाइट्स निकलते हैं उसको आगे आप अपने बिजनेस में या किसी भी फील्ड में यूज़ करते हो. तो डेटा साइंस देखो सारे आप देख सकते हो. नेक्स्ट, इसमें बहुत सारी एल्गोरिदम्स यूज़ होती हैं जिससे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. एंड जैसे कि इसमें आप देख सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो भी हमारे बिग डेटा के एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल एवरी डे वी आर यूजिंग इंटरनेट, राइट? तो हम एक सेकेंड में ना मिलियंस ऑफ डेटा जनरेट करते हैं. रोज़ हमारा एक सेकंड में बहुत सारा डेटा जनरेट होता है. बट डेटा तो जनरेट हो रहा है, बट इसको हैंडल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए तो कुछ चाहिए होती है ना टेक्नोलॉजी. देन डेटा साइंसेज एग्जिस्ट. तो डेटा साइंस का सारा काम यही है कि बहुत सारे डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक स्टोरेज स्पेस में स्टोर करके उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना, जिससे हम अपने आगे फर्दर डिसीजंस ले सकते हैं. तो इसमें आप देख सकते हो एक फ्लिपकार्ट में फ़ोन अगर सेल करते हैं तो उसके हम रेटिंग्स चेक करते हैं सारे. तो ये रेटिंग्स कैसे पता चलती हैं? जब जितने भी पर्संस, जितने भी बायर्स हैं वो अपने रेट करते हैं कि इसका कैमरा इतनी क्वालिटी का, इसकी बैटरी लाइफ इतनी है, इसकी डिस्प्ले इतनी है. तो इससे हम वो जो कंपनी है जिसने ये प्रोडक्ट सेल पे लगाया है फ्लिपकार्ट पे, वो अपना इंसाइट निकाल लेता है कि इतनी एज ग्रुप के लोगों को ये फ़ोन पसंद है. तो हम सिर्फ उसी के ऊपर अपना वर्क करेंगे. फॉर एग्जांपल 18 to 25 एज ग्रुप के पर्सन्स को ये वीवो T1 प्रो पसंद है, इसलिए हम डिजिटल मार्केटिंग भी उन्हीं पर्सन्स को अट्रैक्ट करने में लगाएंगे, ना कि उनको जिनको ये मॉडल पसंद ही नहीं है, जिनको एंड्रॉयड पसंद ही नहीं है, उन पर वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. तो ये कैसे पता लगेगा बिजनेस वालों को? जब वो रेटिंग्स और व्यूज़ चेक करेंगे लोगों के. तो ये एक एग्जांपल है. एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो 1122 व्यूज़ हैं. इससे जो यूट्यूब के जो ओनर हैं या फिर जो अलग अलग बिजनेसमैन हैं वो चेक करेंगे कि इस वीडियो में, इस चैनल में कितने व्यूज़ आते हैं और कितने लोग, कितना ट्रैफिक आता है. इस उसी के अकॉर्डिंग इस चैनल को वो एडवर्टाइजमेंट देंगे ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके. क्योंकि जिस टाइम से यूज़ से कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है, ये सब कुछ काउंटिंग होती है, सब कुछ एनालाइज होता है. डेटा साइंस आज के टाइम पे हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक कंपनी बिजनेस वाली यूज़ कर रही है, क्योंकि उनको जानना है कि कितने लोग, किसका क्या इंटरेस्ट है. आप जब गूगल यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आपको जावा पसंद है, तो आपको हमेशा आप देखना, नोटिस करना, आपको जावा के ही लिंक्स आपको शो होंगे. जो गूगल का नीचे आता है ना, उसमें आपको सिर्फ उस जावा के रिलेटेड कोर्सेज ऐसे करके होते हैं. वो कैसे दिखते हैं? वो डाटा साइंस से ही दिखते हैं. आपका जो डाटा है वो रोज़ जाता है, और कभी आपने सुना भी होगा कि गूगल हमारा डाटा बेचता है. तो ये ट्रू है, बेचता है इन द सेंस उनको कमीशन मिलती है. आप जो भी अपनी ईमेल आईडी सेंड करो किसी भी वेबसाइट में, वो
उनके पास डेटाबेस में सेव हो जाएगी और वो उन मेल्स को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए डिजिटल मार्केटर्स को सेंड करते हैं, सेल करते हैं, जिससे उनको कमीशन मिलता है। तो ये भी एक तरह से एग्जांपल है। सारी जितनी भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सब ही डेटा साइंस को यूज़ करती है। यूट्यूब पे भी आप देखते हो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वीडियोस आपको मिलती है, और फेसबुक पे तो वैसे भी जितने जैसे आपका इंटरेस्ट है वैसे ही आपको वीडियोस मिलती है। बट ये कैसे होता है पॉसिबल? विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस। एग्जांपल्स होगी, अब हम चलते हैं इसका वर्क कैसे होता है। सबसे पहले ये करेक्ट क्वेश्चंस, आस्किंग एंड करेक्ट क्वेश्चन एनालाइज करेगा रो डेटा को, जितना भी रो डेटा है। फॉर एग्जांपल हम सभी ने, स्टूडेंट्स ने किसी कोर्स में अपनी मेल आईडी सेंड की, फ़ोन नंबर दिया, एक फॉर्म फिल किया, तो ये सारा क्या है? रो डेटा है, वो उनके पास चला गया। अब वो चेक करेंगे कि इस बच्चे का इंटरेस्ट किस किस फील्ड में है, कौन सा डोमेन इस बच्चे ने सिलेक्ट किया, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल, एंड्रॉयड फोन, और बिजनेसेस को रन करने के लिए डेटा साइंस ही काम आता है। और कोई आपको डिजिटल मार्केटिंग तो है ही, बट आपने कैसे बिजनेस को रन करना है, कितने स्टॉक्स हैं, कितने लाने हैं, ये सब कैसे पता चलता है? डेटा साइंस से ही पता चलेगा। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस हम कर लेते हैं कि डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट में क्या होता है। जो डेटा इंजीनियरिंग इंजीनियर होता है उसका सारा काम, उसका फाउंडेशन होता है डेटा को क्रिएट करने का, मेंटेन करने का। बट जो डेटा साइंटिस्ट होता है उसका सारा रोल होता है कि उसको एनालाइज करके डेटा को एक रिपोर्ट बना के हमने देनी है बॉस को, ये होता है एनालाइज करना। और इसमें जो होता है, इसमें एनालाइज किए हुए डाटा को समराइज करके पास्ट एक्सपीरियंस से विजुलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने दिखाना होता है। और डेटा साइंटिस्ट की ये जो स्किल्स हैं, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली, और पाइथन लैंग्वेज भी आनी चाहिए। आर लैंग्वेज इतनी अब तो पुरानी हो गई है, बट पाइथन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, आनी चाहिए। और डेटा इंजीनियरिंग जो काम करते हैं उनको भी मैथमेटिक्स स्किल्स आएंगी और साथ में प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड बिग डेटा की नॉलेज भी होनी चाहिए। और उनसे भी जो लैंग्वेज और जो यूज होंगी टेक्निक्स, हडूप में डेटा स्टोर किया जाता है, नो सीक्वल एंड पाइथन, इसमें भी कॉमन है पाइथन। और जो डेटा एनालिस्ट होता है उसके लिए जो स्किल्स होती हैं, स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और बिजनेस नॉलेज होनी चाहिए। और जो ये टूल्स एंड प्रोग्रामिंग है ये सब डेटा बेस की है, तो ये एनालाइज करने के लिए होना चाहिए, ये सब डिफरेंट है। तो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं फ्यूचर क्या है डेटा साइंस का। आप देख सकते हो कि आज के आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा जॉब्स जो निकलेंगी वो डेटा साइंटिस्ट की निकलेंगी। तो इससे, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी क्या है पूरे वर्ल्ड की? गूगल, राइट? गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ये बट कैसे यूज करती हैं, कैसे अपने डेटा को हैंडल करेंगी, ये सारे एल्गोरिदम्स यूज करती हैं डेटा साइंटिस्ट की। जो डेटा साइंटिस्ट होता है उसको बहुत सारी स्किल्स होती है, उनको ज़्यादा इतना भी बड़ा काम नहीं करना होता जितना कोडर को करना होता, प्रोग्रामर को। बट उनको डेटा को एनालाइज करके एक रिपोर्ट जनरेट करनी होती है जिससे वो अपने बिजनेस को रन करते हैं और आगे चलाते हैं। तो क्लियरली इसका डेटा साइंस का स्कोप है और इससे बहुत सारी जॉब्स जो हैं आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांडेड जॉब है डेटा साइंटिस्ट की। इसलिए आपको, अगर आप ये डोमेन चूज भी कर लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो अपनी लाइफ। तो मैं आपको बता देती हूँ एवरेज सैलरी कितनी है डेटा साइंटिस्ट की, 80। बट सबसे ज़्यादा मैक्स अगर आप जाओगे ना तो 2 मिलियन तक का आपका सैलरी पैकेज हो सकता है, वो भी सिर्फ 1 मंथ के लिए डेटा साइंटिस्ट का। तो ये एप्लीकेशन हैं जहाँ जहाँ पर डेटा साइंस यूज़ हो रही है। इमेज रिकॉग्नाइजेशन, फेसबुक में अगर टैग करते हैं हम किसी को तो इमेज रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है, आपने देखा भी होगा फीचर फेस रिकॉग्नाइजेशन फेसबुक में, तो वो कैसे होता है, वो डेटा साइंस यूज़ करते हैं। गेमिंग वर्ल्ड में कितने सारे, अब हम बच्चे जो प्ले स्टोर यूज़ करके डाउनलोड करते हैं खुद, उनके पास नीचे नीचे अपने आप ही आ जाती है ना सिमिलरली
वो सब क्या है, डेटा साइंस यूज करते हैं। ऐसे सारे जितने भी है, रिस्क डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम, हेल्थ केयर में डेटा साइंस यूज की जाती है, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट सर्च, इंटरनेट सर्च में तो बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती है। कंक्लूजन, तो बस कंक्लूजन यही है कि आने वाला टाइम 21st सेंचुरी जो है वो सिर्फ डेटा साइंटिस्ट के लिए है। अगर आपने अभी से स्टार्ट कर लिया इस डोमेन में काम करना, आपको सबसे पहले पाइथन और कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, जिससे आप बहुत आगे जा सकते हो इस लाइन में। और इसका पैकेज भी बहुत अच्छा है और ये टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। सो थैंक यू।